भागलपुर से खबर है, 19 फरवरी को अगले सुबह सूचना मिली कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कौआकुली अंबेडकर चौक के दक्षिण करीब 100 मीटर की दूरी पर नाला में एक संदिग्ध व्यक्ति की लाश पड़ी है। ग्रामीणों को सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थाना की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया। इसके बाद घटना की सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देशन में पुलिस उपाध्यक्ष अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए FSL DIU टीम भागलपुर को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। शव की पहचान नूरपुर मधुसूदनपुर थाना का रहने वाला शंभु प्रसाद यादव के 25 वर्षीय पुत्र अमर कुमार के रूप में करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 19 तारीख को सुबह में मधुसूदनपुर एक थाना है, नाथनगर का ओपी है, वहाँ पे कौआ कोल एक जगह है, उसके पास एक अम्बेडकर चौक है, वहाँ पे नाले में एक व्यक्ति जो नूरपुर का रहने वाला था, युवक था 25 साल का, उसकी डेड बॉडी मिली और उसके सर में गोली मारकर हत्या किया हुआ लगा हम लोग। उसमें परिजनों के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। SDPO सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, इसमें SHO मधुसूदनपुर, DIU प्रभारी सुशील और ASI दिलीप, सब इंस्पेक्टर आदर्श नंदन और प्रोबेशनर, हमारे दो प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मिथिलेश हैं और कांस्टेबल बच्चन, संतोष, राकेश, नीतीश, अजय, इन लोगों की एक टीम बनी और इन्होंने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया। हम लोगों ने FSL के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया और उनके द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया और उसमें हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया और उसके आधार पर और आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और उसके आधार पर हम लोग घटनास्थल को स्थापित करने में सफल रहे। और जो घटनास्थल था इस पूरे घटनाक्रम का, वह जो मृतक का घर है नूरपुर में, वही घटनास्थल था। वहाँ से हम लोगों को 3-4 जगह से ब्लड के नमूने मिले, ब्लड मिला जिसको कि मृतक के परिजनों के द्वारा उसको धूल के साफ किया गया था। पूरे सभी लोगों से पूछताछ के बाद और जितने भी हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए, उसके आधार पर यह मामला हत्या का नहीं था, मृतक के द्वारा खुद इस अपना आत्महत्या किया गया और उसके उपरांत परिवार के लोगों ने इस पूरे घटना को हत्या का स्वरूप देने के लिए डेड बॉडी को रात्रि 1 बजे 18-19 की रात्रि में 1 बजे के आसपास अपने ही एक रिश्तेदार को बुलाया और उनके सहायता से बॉडी को अंबेडकर चौक के पास जो नाला था वहां जाकर लिटाया गया। और इसकी पुष्टि इन लोगों के बयान के आधार पर जो आत्महत्या में जो वेपन यूज हुआ था, हथियार, उसकी भी बरामदगी हुई है। घटनास्थल से ब्लड सैंपल भी लिया गया है। इस प्रकार इस पूरे मामले का साक्ष्य सहित भागलपुर पुलिस के द्वारा उद्भेदन किया गया है। 4 व्यक्तियों की जो इस पूरे साजिश में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 व्यक्ति और बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगातार